ये आयत मेरा हौसला है, वह मकाना रब्बुका नसिया, और तेरा रब तुझे भूलने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्टार मेरा यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। हमारी सुबह हो चुकी है, मैंने फटाफट सबसे पहले अपने लिए चाय बनाई और चाय लेके मैं पराठे बना रही हूँ, तो सुबह का नाश्ता अभी बना रहे हैं। और इस वक्त बजे हैं सुबह के 10:30। सब उठ चुके हैं, सब फ्रेश हो रहे हैं, मैं आ गई किचन में नाश्ता तैयार करने के लिए। तो आज के आगे की क्या रूटीन होगी नाश्ते के बाद शेयर करेंगे। तो आई होप आप सबने वीडियोस मतलब कि मेरा ब्लॉग पूरा देखना है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। और अभी तक आप सब ने स्टार मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नाश्ते के बाद। क्या बना रहा है मेरा बच्चा? फ्रेंड्स आप लोग खाएंगे? मैं तो मम्मा पापा की बना रही हूँ। तुमने ना जो मैं चुकी मम्मी पिता बाटे रे भी ये देखिए इसका बालू ना देख ऊपर का बालू नहीं है बालू नहीं बालू नहीं बिल्ली ने फैलाया कचड़ा। माँ बिल्ली आती है ना रात में, यही से आती है। हाँ बिल्ली ने किया है। अच्छा ये देखिए ये देखिए बुरी करने का अच्छा है। ओ चलो मेरा बिल्ली ने किया था, मेरा आप नहीं करो हाथ लग जाएगा। हमने किचन का रैक जो चेंज करने के लिए दिया था तो हम वहाँ गए थे, बट वो दुकानदार ही नहीं था। तो फिर हम मार्केट आ गए क्योंकि हमें कुछ सब्जियाँ भी लेनी थी। सब्जियाँ लेने के बाद फिर हम वापस आ गए। पुदीना भी डाल दीजिएगा और हरा धनिया भी डाल। मार्केट से आने के बाद मैं किचन में आ गई क्योंकि खाना मैंने बनाया नहीं था। तो मैं आलू बॉईल करके गई थी और चिकन, तो चिकन यहाँ मैंने 150 ग्राम बॉईल किया है, आलू यहाँ पे आधा किलो यानी कि 50 ग्राम, और इसे मैंने हाफ बॉईल किया है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा हमने 100% इसे सॉफ्ट नहीं किया। हरा धनिया ले लेंगे, हरी मिर्चों को बारीक काट के लेंगे, ये 6 अदद हरी मिर्चें थी। और चिकन ये 250 ग्राम हमने चिकन को सॉल्ट डालकर बॉईल करके लिया है। 2 अदद अंडे ले लेंगे और काली मिर्चों को कूट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने कुंडे में डालकर इसे कूट लिया है, इस तरह का बारीक कूट के लेंगे। तो आप सोच रहे होंगे आज मैं क्या बना रही हूँ, तो आज मैं आलू के कबाब बनाऊंगी और बहुत ही मज़ेदार ये हमारे आलू के कबाब बनकर तैयार होंगे। और ये जो आज आलू के कबाब में बना रही हूँ ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, यकीन माने कम इंग्रेडिएंट में और बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त किस्म का ये कबाब बनकर तैयार होता है। चिकन इसमें मैं 250 ग्राम डालूंगी, आप ज़्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बट चिकन जो है आजकल बहुत महंगी है इसलिए मैंने थोड़ा ही डाला है, क्योंकि सोने के भाव चिकन भी हो गई है, दाल भी खाना मुश्किल है तो बंदा खाए क्या। और इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे मकई का आटा थोड़ा सा रोस्ट कर रही हूँ, ड्राई रोस्ट करेंगे और इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। मैं बाइंडिंग के लिए नहीं डाल रही हूँ, जस्ट फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना, जब भी आपने ये आलू के कबाब बनाने हैं, आलू का आपने बिल्कुल भी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसे बॉयल देना, 50% तक ये सॉफ्ट हो जाए आपने इसे उतार लेना है। और इसमें मैंने ब्लैक पेपर शामिल कर दिया, हरा धनिया शामिल कर दिया, एक छोटी साइज़ के प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया था वो भी शामिल कर देंगे, हरी मिर्चों को जो बारीक काट के रखा था वो भी शामिल कर देंगे, चिकन भी शामिल कर देंगे। सारी चीज़ें इसमें पकी हुई हैं,
चंद ही मिनटों में हमारे ये कबाब बनकर तैयार हो जाएगा। और टेस्ट की बात करूँ तो बहुत ही लाजवाब और बहुत ही टेस्टी और चटपटी सी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। रेड चिली फ्लेक्स मैंने डाल दिया, हाफ टी स्पून जीरा डाल दिया, हल्दी का डाल देंगे, हल्दी यहाँ पे मैंने डाला है कलर के लिए, हाफ टी स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून मैंने जायके के मुताबिक सॉल्ट डाला, और यहाँ पे एक इंग्रेडिएंट खास है यानी कि चाइनीज सॉल्ट मैंने थोड़ा सा इसमें 1/4 टीस्पून शामिल किया। यहाँ पे आप चिकन पाउडर अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बट आलू में ना चाइनीज सॉल्ट का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसे चॉपर मशीन में पीस लेंगे। यहाँ पे मैं मकई का आटा डालना भूल गई थी तो मैंने दोबारा इसे खोला, उसके बाद मकई का आटा शामिल करके मैंने इस तरह इसे पीस लिया। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी चेक करिए, थोड़ी सी स्टिकी हो जाती है, इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे ताकि हाथों में ना चिपके, अच्छी तरह इसके कबाब हम बना सके। तो जब ऑयल आप इसमें डाल देंगे ना तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, अच्छी तरह हमारी ये कबाब बन जाएंगे। थोड़ा ऑयल डालकर हम मिक्स कर लेंगे, मिक्स करके फिर हम इतनी क्वांटिटीज की लेंगे जितनी आप इसकी साइज कबाब के बनाना चाहे। तो ये देखिए बहुत ही जबरदस्त हमारा बन गया है। तो सबसे पहले हमने जो 2 अंडे लिए थे उसे निकालेंगे बाउल में, जायके के मुताबिक थोड़ा सा हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे, फोर्क से अच्छी तरह से बीट कर लेंगे, मतलब कि मिक्स करेंगे। इस अंडे को फेंट कर हम क्या करेंगे, इसमें डिप करके कबाब फ्राई करेंगे, इससे हमारे कबाब बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे। और जायके की बात करूँ तो इसका फ्लेवर थोड़ा थोड़ा आपको शामी कबाब जैसा भी मिलेगा, और टेस्ट में ये बिल्कुल ही नहीं लगेगा कि आपने इसे आलू का बनाया है और आलू के ये कबाब हैं। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल अच्छी तरह गर्म हो चुका है, फ्लेम को मैं मीडियम कर दूँगी, हाई पर बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना, वरना डालते ही ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कुक नहीं होंगे, क्योंकि इसमें मैंने मकई का आटा डाला है तो थोड़ा सा पकाना ज़रूरी है। बाकी चीज़ें तो पकी हुई है, बट मकई का आटा जो थोड़ा सा करके मैंने इसमें डाला है, लेकिन थोड़ा हम इसे पकाएंगे, फ्राई करते वक्त भी अच्छे से कुक हो जाएगा हमारा मकई का आटा। जैसे हम शामी कबाब फ्राई करते हैं ना सेम उसी तरह इसे भी हम फ्राई करेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही जल्दी ये हमारे आलू के कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। और जायके की बात करूँ तो जायका इसका बहुत ही लाजवाब है, कोई भी नहीं कहेगा कि आपने ये आलू के कबाब तैयार किए हैं। और बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएगी क्योंकि बच्चों को आलू जो है बहुत पसंद है, और मेरे घर में मेरा को तो वैसे ही आलू खाना बहुत पसंद है, वो शौक़ से आलू खाती है, मैंने उसके लिए भी बनाया है। स्पाइसेस की बात करूँ मतलब कि मिर्च मसाले की, तो हमारे घर में स्पाइसेस का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा है, मतलब कि मिर्च मसाले तो वो बचपन से खाती आ रही है, तो हमारे साथ साथ मेरा को भी आदत हो चुकी है हमारे जैसे खाने खाने की, वो फीके खाने नहीं खाती है, हमारे साथ जो हम खाना खाते हैं वही खाना वो भी खाती है, और मिर्च मसाले वो खा लेती है क्योंकि उसकी आदत हो चुकी है, और ये उसकी फेवरेट रेसिपी क्योंकि मैंने आलू से बनाया है तो वो शौक़ से खाएगी। फाइनली आलू के कबाब हो गए तैयार, और आलू के कबाब के साथ मैंने हरी चटनी भी तैयार की थी, तो हरी चटनी की रेसिपी मैं आज भी आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई, इंशाल्लाह फिर कभी शेयर करूंगी क्योंकि टाइम नहीं मिला और मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की बनाते वक्त की। 3 hours later आया मजा, बहुत मजा आया। खाने के बाद ना किचन की मैंने कोई क्लीनिंग नहीं की थी, मैं थोड़ा लेट गई थी, और लेटने के बाद तो पता है खाने के बाद सुस्ती आ जाती है, तो अभी मैं उठी, मैंने कहा चलो किचन की क्लीनिंग कर लेते हैं, थोड़े बर्तन थे मैंने उसे वॉश करना था। अवैज ने कहा मुझे चाय पीनी है, तो मैंने कहा आप चाय बना लो और मेरे लिए भी साथ बनाना, तो उसने मेरे लिए भी चाय बनाई और अपने लिए बनाई। हसनैन जो बाहर चले गए थे उन्होंने खाना नहीं खाया था, अभी हसनैन बाहर से आए तो मैंने उसे खाना दिया, वो खाना खा रहे थे, साथ ही मेरा भी दोबारा बैठ गई। उसे कबाब बहुत पसंद है क्योंकि आलू के हैं इस वजह कर, जबकि आज उसे थोड़ी मिर्ची भी लग रही थी क्योंकि उसका मुंह पका हुआ है, शायद इस वजह कर उसे मिर्ची लग रही थी। I
आई होप कि आज का हमारा छोटा सा व्लॉग ये आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।